वेलकम टू बंका। आज हम बात करने जा रहे हैं फीडबैक के बारे में। कस्टमर हमारे बारे में गूगल रिव्यूज़ पे जो भी हमें फीडबैक देता है, फेसबुक में जो हमारे बारे में लिखता है या ट्विटर पे ट्वीट करता है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सालों से हम ये कर रहे हैं और इसी वजह से हमारे गूगल पे बहुत सारे रिव्यूज़ भी है। कस्टमर की कई बातों की वजह से हम मोटिवेट भी होते हैं और कई बार उसकी बातें देख के हम निराश भी होते हैं, लेकिन हम उसकी अच्छी और बुरी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे वही पुराने डिसीजंस की वजह से आज बंका यहाँ तक पहुँचा है। आखिरकार बंका को ये मुश्किल कहाँ होती है? कई कस्टमर्स हमें फीडबैक देने में या तो कुछ भी नहीं लिखते या सिर्फ 5 स्टार दे देते हैं और यहीं से हमारी मुश्किलें शुरू होती है। देखिए क्या होता है, आज आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप दुनिया के किसी भी कोने तक अपना पैसा पहुंचा सकते हैं। उसी तरह अगर आपके दिए गए हुए पैसे का पूरा बेनिफिट जब आपको नहीं मिलता है, उस वक्त आपको हमारे बारे में या फिर जहां से भी आपने चीज़ परचेस की है उसके बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है वो पूरी दुनिया को बताना चाहिए। अगर हम जिम्मेदार बिजनेसमैन हैं तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और कुछ लोग जो लोगों के साथ पैसा लेके बुरा बर्ताव करते हैं, उन लोगों को रोक लग जाएगी। ये समाज के लिए फायदे दिलाने वाला डिसीजन होगा। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप अपना रिव्यू हमें सब जगह सोशल मीडिया में दीजिए। आपको जो भी अच्छा या बुरा लगता है वो डिटेल में, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स में आप लिखें और लोगों को बताएं। इससे बंका का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। ये एक तरह से आप लोगों को आपके बारे में और हमारे बिजनेस के बारे में बताने का जरिया है। तो यही था फीडबैक के बारे में आज का मेरा वीडियो। थैंक यू।